ये देख अभी ड्रॉप्स जा रहा है ना, नहीं तेरे को भी मालूम नहीं ना? नहीं तू भी देख ला, ये ड्रॉप्स गया ना अभी नीचे। हाँ जी, फिर से लूज हो गया। और अभी क्या हुआ है, अभी वो नीचे गिर गया और उसका शीशा टूट गया आगे वाला। हेलो मैम। हाँ जी, समोसे मिल जाएंगे? हाँ जी मिल जाएंगे। कितने कितने चाहिए? 5 पीस कर दिए। कहाँ पे बैठ के समोसे ऑर्डर कर रही है? देखो सोफे पे सोई हुई है, समोसे ऑर्डर कर रही है। दिस इज संडे और मैंने सर के ऊपर देखो आज तेल लगाया हुआ है और मैडम समोसे खाने का दिल कर रहा था। मैडम का सुबह से काम कर रही है, एक्चुअली थक गई है अभी अभी बैठी। क्या बना रही तू किचन में? साग। साग बनाया हुआ है मैडम ने, साग खाएंगी आज। साग अपने पंजाबियों का फेवरेट होता है, आपको मालूम ही है। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़दी कला, चढ़दी कला ही होनी चाहिए। देख लो जितना वेदर देखना, ये वाला अभी बस एक दो दिन और है, देख दो दिन नहीं एक हफ्ता, एक आध हफ्ता और है, बस ये वाला वेदर जो है अभी जाने वाला है। तो समोसे लेके हम आ चुके हैं, नहा के मैं चला गया था समोसे लेने। ये भी अच्छी मौज है कि छोटे शहर में, जैसे हमारा विनीपैक शहर है, यहाँ पे पास पास में दुकानें होती हैं, जहाँ पे गए 5 मिनट में समोसे ले गए घर आ गए। क्या बात है मैडम, बहुत जल्दी जल्दी में खाना बना रही हो। वो जब भी आता है उसको जल्दी होती है ना, है ना? आज स्पेशल उसकी किस्मत अच्छी है, साग बना हुआ है और साथ में मक्की की रोटी। क्या बात है, वो आया हुआ है फिर एडमिंटन वाला अपना दोस्त, लेकिन उसको हर बार जल्दी होती है। बस उसको रो के रखा हुआ है कि तेरी किस्मत में भाई साग है, मक्की की रोटी है, खा के जा। कैमरे में आपको धुआं दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब भी ऐसे बड़ी रोटियां बनती या परौंठे बनते ना, धुआं हो जाता है घर में। तो इसलिए हम बाद में फिर ये खोल देते हैं, थोड़ा अंदर बाहर हो जाएगा ये पूरा सिस्टम। ये वाला जो अलार्म होता है ना, ये वाला, ये बहुत खराबी करता है। लेकिन अपना कभी बजा नहीं अलार्म, एक बार बजा है जब से कर लिया है, लेकिन फिर भी अगर पहले तरतीब कर ले तो बाद में अच्छा बहुत चलाता है, बाद में क्यों क्यों करके। हमने एक्सावेटर लगाई हुई है, मैंने बोला यहाँ से सारी मिट्टी निकाल के सारा लड़ा मदान कर दो। अच्छा। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि हमारे पीछे जो है कंस्ट्रक्शन चल रही है। खाना पेट भर के खाएगा, ठीक है ना? आजकल ना ये बाहर के खाने ज्यादा खाता है, इसको घर के खाने स्वाद है। साग कैसा है देखो? साग तो मेरे को भी ना जबरदस्त लगा, थैंक यू इतना अच्छा साग बनाने के लिए। ये बंदे का हर बार का काम है, हर बार का। आपने देखी वो मोटरसाइकिल और पीटर पैंट वाली वीडियो, उस दिन भी भागते भागते सामान पकड़ाया था, आज भी इसका यही हाल है। भाई ले लूंगा कोई चक्कर नहीं, पैसे का लालच है बंदे को। भाई मुश्किल से पीटर पैंट हाथ में आया, एक बार देख लो भाई। पीटर पैंट की एक ही खासियत सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, यानी ये जो स्विच लगे हुए ऐसा लगता है जैसे जहाज के कॉकपिट में बैठे हैं, कॉकपिट में ना। भाई कितने स्टूडेंट है तेरी क्लास में? ये कितने पेन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 उठाया हुआ है। जहाँ पे भी जाता है एक एक पेन उठा के लेके आता है भाई। और प्रॉब्लम क्या होगी तेरे ट्रक को? इंजन ऑयल में यार, डीजल मिक्स हो रहा है। इंजन ऑयल में? अभी अभी ऑयल बदली कराया था ना तूने? अभी अभी कितना टाइम हो गया ट्रक बंद किए हुए? हो ही गया, एक घंटा हो गया। चल चाह निकाल, चल चेक करते हैं एक बार बार। इसके ना आयल में डीजल आ रहा है, तो उसको देखने के लिए क्या होता है, एक घंटा हो गया अभी ट्रक रोक के रखा हुआ है ना, अभी जो पूरा आयल है वो नीचे चला हो गया होगा। जब आयल डाला था तब आयल पूरा पॉइंट के ऊपर था, लेकिन बोर आएगी अभी आयल जो है वो भर रहा है। ये देख अभी ड्रॉप्स जा रहा है ना, नहीं तेरे को भी मालूम नहीं ना? नहीं तू भी देख ला, ये ड्रॉप्स गया ना अभी नीचे। हाँ जी, ये फूल का निशान है, होना चाहिए, लेकिन ये इधर है, इधर ज्यादा है इसमें। अभी हम एडमिंटन जाएंगे, फिर एक बार ऑयल चेंज कराएंगे, फिर पीसी जाएंगे। अपना ट्रक है, खुद के पैसे लगे हुए, चाहे कंपनी का भी होता है ना, लेकिन ये देखना अपनी जिम्मेवारी होता है। देखा भाई ने पीसी चेंज कराया था तेल? एडमिंटन से ऑयल बदली कराया था, लेकिन जब इसने दोबारा 5,000 किलोमीटर के बाद में ऑयल चेंज करने के बाद में भी 4-5 किलोमीटर चल गया है, लेकिन चल ही है यार। कितना चलाता है बाद में तू एक बार ऑयल बदली करता है तो? 18-20 हजार किलोमीटर तक में ऑयल बदली करते हैं, लेकिन अभी अगर इसकी मरम्मत नहीं कराई तो प्रॉब्लम हो जाएगी इंजन को। इसलिए ये भी जाएगा सरी, ये लोड यहाँ से उठा के सरी जाएगा। मैकेनिक से बात की, हाँ
अगर ऑयल प्रेशर सही है फिर तो चला जाएगा, लेकिन ज्यादा नहीं होगा। वो फुल का निशान देखा ना आपने, फुल के निशान से थोड़ा ही ऊपर गया, ज्यादा ऊपर नहीं गया। अगर डीजल ज्यादा आ रहा है तो फिर वो निशान के ज्यादा ऊपर चला जाएगा, फिर तो रोकना ही पड़ता है ट्रक। मैकेनिक से बात की है, बोलता है एयर प्रेशर दे के ना, हमको तो मालूम है। हम इसलिए बात कर रहे हैं कि यार बहुत सारे बंदे ऐसे जो नए हैं ट्रकिंग में, उनको मालूम पड़ जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। कल सुबह 6 बजे निकलना था, मतलब तेल देखा ना इतने ड्रॉप्स गिर रहे हैं, तेल बहुत जो है बड़ा मोटा संगना होता है। चल ठीक है यार, ओके मिलते हैं। वही सेम फंडा है, इसने लोड उठाना है यार। भाई जाना है यार, नहीं आज रहना था, पहले बोलती है, अभी पहले बोलती है लोड नहीं है, अभी बोलती है। जब विंटर गए थे तब ये काम पे निकल गया था, क्योंकि ये 10 दिन हो गए घर पे ही था। तो अभी ये है विनी पैक, लेकिन फिर इसको लोड के ऊपर जाना है। क्या होता है ना यार, जब भी डिस्पैच आती है भागना पड़ता है। फिर भी ये एक घंटा मेरे को वेट कराया, 10 मिनट बोल के, 15 मिनट बोल के, एक घंटे बाद आया। मैं अभी सच्ची जाने वाला था, मैं कभी इधर जाता हूँ कभी इधर जाता हूँ। बता क्यों वेट किया है, क्या लेके आया बता। साग और मक्की की रोटी, मक्की की रोटी दिखाया है मैंने इसको। चल ठीक है, निकल जाए, तेरा लोड है, चल मिलते हैं। ओके ओके भाई, टेम्परेचर बहुत हो गया, ये ऑयल प्रेशर है। चल एयर प्रेशर देखता हूँ, यही सही तो पहुंच जाएगा, तेल इतना ज्यादा मिक्स नहीं हो रहा। एक बार चेंज करा ना, ज्यादा पतला हो जाएगा तू ना। लेकिन करना जरूरी था यार, हो सकता है हमारी कोई बात किसी के काम आ जाए। जब भी आपको लग रहा है आपने अभी ऑयल चेंज किया है, ऑयल का लेवल देखने के लिए ऑयल चेक नहीं करते हम लोग रोज। ऑयल चेक करने का दूसरा कारण ये होता है कि जब भी हम ऑयल चेक करते हैं, ऑयल का लेवल तो हम देखते ही देखते हैं, लेकिन हम दूसरी चीज क्या देखते हैं कि ऑयल पतला तो नहीं हो रहा। अगर ऑयल पतला हो रहा है, इसमें इट मीन्स कि कहीं से डीजल जो है ना ऑयल में मिक्स हो रहा है। यही प्रॉब्लम है बाइक की। अभी बाइक जाएगा लोड के ऊपर, पहले इसके पास में लोड नहीं था जब उन्हें मिलने का प्लान बनाया था, लेकिन अभी इसके पास में लोड आ गया तो भाग के गया, क्योंकि लोड नहीं उठाएगा उसका ट्रक और ट्रेलर भी अपना है, तो उसको नुकसान ज्यादा होता है। हमारा क्या होता है, हम जब कंपनी ड्राइवर होते हैं एक छुट्टी भी कर लेंगे तो भी चलता है, लेकिन उनका नुकसान जो है ना ज्यादा होता है। फिर ऐसा ना हो आज लोड ना मिले, अगर आज लोड मिस कर दिया कल काम कम हो जाए, क्योंकि आजकल वैसे भी थोड़ा कनाडा में कहीं कहीं पे ट्रकिंग का काम थोड़ा कम हुआ पड़ा है। बहुत दिन हो गए पाइक नहीं बनाई, तो चुटकियों में पाइक बनाते हैं। लेकिन गौर करो, ये वाला टायर ब्लैक है, ये वाइट है, क्योंकि ये नया लगाया आज ही, ये देखो। तो इसको 200 किलोमीटर के बाद में रीटॉर्क करना पड़ेगा। तो फाइनली बाइक बन के हो गई है रेडी, लेकिन अभी टाइम देखो 7:30 बजे अंधेरा होना शुरू हो गया। ऑल गुड है, ये क्या हुआ है भाई साहब।
ये अभी प्री टेप इंस्पेक्शन में मेंशन करना पड़ेगा, ऐसे वाले जो स्क्रैच होते हैं ना मेंशन करके लेके जाते हैं, नहीं तो पिटाई बहुत होगी बाद में। वो देखो दिखाई दे रहा है रॉकेट छोड़ा है मैंने। चलो कुंडली तो हमने बना ली है अपनी, अभी चलते हैं। पीटर बेल वाला दोस्त तो मेरे ख्याल में पहुंच गया होगा रियाना के उस पार, क्योंकि वो तो मेरे ख्याल में 4-5 घंटे पहले गया हुआ है। एक भाई था अपना अमेरिका में, उसके पास में था कैनोवर W900 टायर की मोटर थी, उसके ऑयल में भी डीजल मिक्स हो रहा था। उसने बताया कि दो साल उसने ऐसे ही चला दिया ट्रक अपना, कोई चक्कर नहीं हुआ, बस तेल चेक करते रहा और कैड की मोटर ने 2 साल उसका ट्रक ऐसे चला दिया। आ जाओ लेके बाबा जी का नाम, निकलते हैं रोड के ऊपर। पर मजा बहुत आया मेरे ख्याल में, 2 महीने के बाद में मैंने ऑन व्लॉग बाइक बनाई है, मेरे को ऐसा लग रहा है। ट्रक अपना 84,504 किलोमीटर, 85,000 अपना ट्रक चल चुका है, सारा मैंने नहीं चलाया, बीच में से 4-5 हजार किसी और ने चलाया था क्योंकि मैं छुट्टियों में था। भाई के साथ में किया स्विच और यो आपने आज शॉर्ट देखा है ना वो बाइक वाला, भाई को थैंक यू। चल ठीक है भाई, तो वाटर में करके स्विच हो गए फ्री, अभी जाएंगे वापस घर। अपने ट्रेलर, अगर उसने अपने उठाए तो हमने उसके उठाए भाई, अभी हम लेके जाएंगे उसके विनी बैग, वो लेके जाएगा हमारे वाले रिजाइना। क्या बात है, इसको बोलते हैं भाई भाई। क्या बात है, सुपर बी उसके ऊपर लंबर लोड की हुई है, देखे ना अच्छा लग रहा था, मैंने सोचा इसके ही फुटेज लेने चाहिए। क्या बात है, मजा आ गया यार, ऐसा लगता है जैसे बहुत हैवी ट्राला, बड़ा बड़ा ट्राला जा रहा है। वो सामने गार्बेज बॉक्स है और एक और नया काम हो गया है। इसलिए मैंने वीडियो ऑन नहीं की, जब मैं वापस आ रहा था ना वर्डन से, तो ब्रैंडन में खड्डे आते हैं ना, तो मैंने आपको कई बार बोला है ना कि मेरा जो माइक्रोवेव है ट्रक का थोड़े थोड़े टाइम बाद लूज हो जाता है, तो मैंने उसको कसा हुआ था लेकिन वो फिर से लूज हो गया। और अभी क्या हुआ है, अभी वो नीचे गिर गया और उसका शीशा टूट गया आगे वाला। ये देखो भाई साहब, यहां से निकल के ये गिरा हुआ है नीचे, माइक्रोवेव का राम नाम सत्य हो गया। वो यहाँ से निकला, उसका शीशा लगा यहाँ पे, बहुत ज्यादा खिलारा पड़ गया यार, अभी इसको तरतीब करना पड़ेगा। ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए करता है, मैं तो ऐसा सोच लेता हूँ कि जब भी कोई ऐसा वाला नुकसान होता है ना, हो सकता है कितना बड़ा नुकसान होने वाला था जो इतने में ही टल गया। इसका क्या है, $40,000 का होगा, ज्यादा बड़ा हादसा होने से टल गया, शुक्र है ऊपर वाले का, कोई चक्कर नहीं है। अभी बस ये समझ नहीं लग रही इसको उठाना कैसे, पूरा चूर पूर हो गया यार, बहुत कसा है यार। उसकी जो बेल्ट है ना वो स्लिपरी है, नीचे कार्डबोर्ड का बॉक्स भी दिया लेकिन पूरा एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। उसके बाद में सुबह कंपनी के पास से वैक्यूम लेके इसका कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। अभी ये तो गार्बेज हो गया, इसको घर में फेंकता हूँ गार्बेज में। इस ब्लॉग को भी यही पे एंड कर देते हैं यार, जो होना होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। क्विक सर्विस देनी पड़ती है, उधर से प्लेन आ गया तो मैंने फुटेज निकाल ली। हमारे ना पास में एयरपोर्ट है, इसलिए ज्यादा आपको मेरी स्टोरीज में और मेरे व्लॉग्स में आपको प्लेन दिखाई देते रहते हैं। यहाँ तक वीडियो देखिए तो लाइक करो, जो बंदे अपने चैनल के ऊपर नए हैं सब्सक्राइब करो, मिलते हैं ऐसी अच्छी सी वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखो, अपने परिवार का ख्याल रखो, रब रखा, सब बड़े भाई यार, चढ़ती कला में रहो, कोई चक्कर नहीं, बाय बाय। ट्रक भी बोलता है बाय बाय।
शुक्र है तेरा, आज फिर से ऐसा ट्रिप हो गया। डोर खोलने से पहले सारी लाइटें बंद करनी पड़ती हैं, ऊपर वाली डोम भी। क्या होता है ना, जब डोर खोलते हैं फिर से ओपन हो जाती है, लेकिन अगर पहले से ओपन की होती है तो कई बार हम डोर खोल के बंद करते हैं ना, हमको मालूम ही नहीं पड़ता, क्योंकि जब ट्रक बंद है ना तो ये लाइटें बंद होने में टाइम लगता है। अभी आपको दिखाता हूँ, तो देखना, बंद कर दिया, ये लाइटें अभी बंद नहीं होगी, इनको टाइम लगेगा। देख लो कितना टाइम हो गया, ये बंद नहीं होगी भाई साहब। हो जा, कितनी वीडियो लंबी कराएगी। हो गई। When I know I'll know, hand in hand like left, right, left, right, oh.